दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 मई 2023 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा सिंह राशि के ही रहेंगे, आज शुक्र के नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की, राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में इमोशनल हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रति या खुद ही आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो रही हैं कि आपको बहुत लगाव हो रहा है किसी से, किसी व्यक्ति से या अपने आप से। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आप आज के दिन किसी को एकदम से प्रपोज कर दें या किसी के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाएं। लव लाइफ की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, लव लाइफ में पार्टनर के साथ में आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक नज़र आएंगे, पार्टनर के साथ में बहुत इमोशनल भी हो जाएंगे, पार्टनर से बहुत प्रेम भी करने लगेंगे। और तो और यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ ये भी बन रही हैं कि आज के दिन आप इमोशन अपनी फीलिंग्स छुपा ही नहीं पाएंगे कितना भी छुपाना चाहें, और इस वजह से आज आप इमोशनल होकर के शादी का निर्णय ले सकते हैं, शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट मैरिज के भी योग बन रहे हैं। आज एकदम से, आज अचानक से कोर्ट मैरिज कर लें आप। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन आपके पार्टनर से फिर से आपको बात करने का मन करेगा और वो बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगी, तकलीफ होगी। तो नो कॉन्टेक्ट में जो हैं उनके लिए स्थितियाँ उधर से पार्टनर की तरफ से सही नहीं दिखती हैं, लेकिन वैसे आपकी तरफ से जो स्थितियां बनेंगी कांटेक्ट में आने का जो आपका मन होगा वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, पार्टनर से आपको बहुत प्यार मिलेगा, और सबसे ज़्यादा स्थितियां बच्चों की वजह से और जो आपने निर्णय लिए हैं अपनी फैमिली को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, उन वजहों से आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। आज के दिन देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको कहीं कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, कहीं यात्रा का, कहीं बहुत ही आपका खूबसूरत कोई प्लेस है जहां पर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर जाने के लिए आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, आपकी कोई बात मान सकते हैं। आज के दिन शाम के वक्त में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर अचानक से आपको कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा आपसे मांग लेंगे जो आप सुन करके थोड़ा खुश भी होंगे और आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो बातें बोल रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होंगी और उन्हें प्रैक्टिकल आप समझेंगे भी नहीं। ये मेरे बोलने से नहीं, आप समझेंगे भी नहीं उसे प्रैक्टिकल, और ये हो सकता है कि शादी का निर्णय हो इत्यादि बातें, तो वो जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है उस चीज़ पर आप बिलीव ना करें, वही आपके लिए बेहतर है, उसे हाँ बोल दें, मना मत करें, पर ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ में सपने देखने लगे और वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो हो भी सकता है कि ना हो वो चीज़ पॉसिबल, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा आज आंसू बहा सकता है, आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करेगा वो जिससे उसकी उम्मीदें आपके प्रति बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना व्यवहार ऐसा रखेंगे उसके साथ में जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है आपके लिए, और इसी बात से उसे तकलीफ होगी। आज हो सकता है कि पार्टनर इतना पजेसिव हो जाए आपके लिए कि आपको कुछ ना कुछ बार बार फ़ोन कॉल इत्यादि, पासवर्ड मांगना इत्यादि बातें वो कर सकता है, बार बार आपके फ़ोन इत्यादि को चेक करना इत्यादि, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नॉर्मल लाइफ में चलती हैं, आज वही सब होने वाली हैं और उससे आपको दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसकी है कि आप उसकी बात ना मान के उसके ईगो को बार बार हर्ट करेंगे और अपने गलत होने के प्रूफ देंगे, गलत ना होते हुए भी गलत हो जाएंगे उसकी नज़रों में, सिर्फ आप उसकी बात नहीं मानेंगे इसलिए।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत खराब है, पार्टनर से बातचीत आज नहीं हो पाएगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आप पर आरोप लगा सकते हैं और आपकी आज सुंदरता आपके ऊपर खुश जो खुश रहने का राज है या आपकी खुशी को ही कहीं ना कहीं तार तार करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर कुछ ऐसा बोल दें जो आपको लगे कि मैं इतना सुंदर या इस तरीके से इतना खुश हूँ, तो उससे भी उसे तकलीफ हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए, और इसलिए उनकी कोई भी बात ना मानना आप दोनों के रिश्ते को और दिन को खराब कर सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पूरी होंगी, पार्टनर बहुत प्यार करेगा और दोस्ताना व्यवहार करेगा। आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से आपकी वापसी होगी, आपके पार्टनर के साथ में आपका फिर से पैचअप हो जाएगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ आपका पास्ट दे सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, इसलिए किसी भी पास्ट से अगर इमोशनल या जुड़ाव कोई या किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट है, दोस्ताना व्यवहार भी है, तो उससे दूर हो जाना या दूर रहना आज के लिए तो कम से कम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, बचकानी हरकतें कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपका दिन आज के लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। सिंगल हैं तब खास स्थितियां बनने वाली हैं कि आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता घर पर आ जाए, शादी फिक्स हो जाए, लव लाइफ में लव मैरिज बात हो जाए, लव मैरिज की बात हो जाए, लव मैरिज फिक्स हो जाए। आज के दिन ठोस कमिटमेंट आपके पार्टनर दे सकते हैं, लव लाइफ की स्थितियां बहुत शानदार रहेंगी, उसके साथ साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी जो लोग हैं उनकी फिर से वापसी हो सकती है। मैरिड लाइफ में कहीं यात्रा पर झगड़े कर सकते हैं आप दोनों और तमाशा बना सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आप पर आरोप लगा सकते हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, खराब होगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ईगो दिखाएगा लेकिन प्यार भी बहुत करेगा, उसके इमोशंस उसकी फीलिंग्स को आपको समझ में भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप समझ के भी नहीं समझना चाहेंगे। आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी फिर से वापसी हो सकती है, फिर से पैचअप की स्थितियाँ बन रही हैं। मैरिड लाइफ में पार्टनर का विश्वास आपके प्रति कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो आपको अब कुछ ना कुछ टॉर्चर जैसा करेंगे, जिससे कि आप कुछ छिपा रहे हो उनसे तो वो निकाल दें, उनके सामने बोल दें, ऐसी बातें वो करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बुरे फंस जाएंगे और इस वजह से वो आपके साथ रिश्ता खत्म करना चाहेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत खर्चे करेगा, बहुत सारी उम्मीदें उसकी बढ़ जाएंगी और इसी वजह से आज आप दोनों के झगड़े होंगे और कुछ घंटों के लिए वो आपको ब्लॉक भी कर देंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहस होती रहेगी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैरिड लाइफ में यात्रा को लेकर के भी आज बहस हो सकती है कि उनके पास जाना है, अगर वो जॉब करते हैं, दूर रहते हैं तो अपने पास बुलाएंगे, उसमें भी दिक्कत है, और कहीं अगर एक साथ यात्रा कर रहे हैं या अकेले यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा की वजह से या यात्रा का कोई बात छेड़ रहे हैं, कोई कहीं आपको जाना है, कोई प्लानिंग है आपकी अपने काम पर्पज से, अपने बिजनेस के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, कुछ भी आपको अगर मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ जो यात्रा से जुड़ी हुई है तो उससे आप दोनों के बीच में दिक्कत हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आप पर आरोप लगाएंगे और आपको बुरा भला बोल करके आपको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आपको इग्नोर कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बहुत इम्प्रेस करेगा, बहुत केयर करेगा और उसका बहुत नेचर जो होगा वो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आएगा, इसलिए आपको वो बहुत पसंद आ जाएगा। कन्फ्यूज रहेंगे लेकिन फिर भी आप उसे पसंद करने लगेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और लव लाइफ की स्थिति बहुत शानदार है, फिर से एक अच्छा रिलेशन आपका बन जाए, फिर से स्थितियाँ सुधर जाएँ, और यहाँ तक आज आप अचानक से ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं कोर्ट मैरिज का आपको प्रॉमिस कर रहे हैं या कोर्ट मैरिज करने के लिए बातें कर रहे हैं, सबके विरुद्ध जाकर के भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसी तमाम
बातों की खुशियां तो आपको मिलेंगी, मैरिड लाइफ में स्थितियां शानदार रहेंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन सामान्य है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर इग्नोर करेगा और इस वजह से आपको रोना पड़ेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज आपको उनकी सारी बुरी बातें याद आएंगी कि वो किस तरीके से आपके साथ में एक तरह से एक छल कपट और बुरे सपने आपको दिखा करके आपके अंदर प्यार जगा करके आपको छोड़ गए। मैरिड लाइफ में आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। पार्टनर जो भी बातें करेगा, जो भी आपके लिए सामान्य कोई प्रॉमिस करेगा वो तोड़ देगा। आज के दिन अगर कहीं जाने का प्लान था पार्टनर से, पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का प्लान था, वो कैंसिल हो सकता है। कोई बात कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉमिस कैंसिल कर सकते हैं, इस वजह से झगड़े हो सकते हैं। आज वो आपको इग्नोर भी करेंगे और किसी और को ज़्यादा टाइम देंगे। मैरिड लाइफ में स्थिति इसलिए ख़राब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ फिर भी ठीक रहेंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको पूरा टाइम देंगे और हो सकता है कि आज दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहें, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर के प्रति भरोसा फिर से बढ़ जाएगा और भरोसे के साथ साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा और बार बार आपको अपनी लाइफ में बुलाने का प्रयास करेगा। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अपने पास्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिन्हें सुन करके आप, हो सकता है कि वो ये बातें आप खुद जानना चाहें, ऐसी भी बातें हो सकती हैं और इस वजह से तकलीफ हो सकती है आज के दिन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन खर्चों की वजह से, पैसों की वजह से और बहुत सारी जो मदद उन्होंने की है उस वजह से आपके साथ में गंदा बर्ताव कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर का व्यवहार बहुत अच्छा नजर आएगा। पार्टनर के साथ में आपका यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, आपका घूमना फिरना बहुत होगी, लंबी यात्रा हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज का दिन आपके लिए फिर से एक नई उम्मीद जगाएगा। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में थोड़े झगड़े हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के और दूरियां बन सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन सबसे शानदार रहेगा और आपके पार्टनर के साथ में आज आपकी मुलाकात या लंबी यात्रा भी हो सकती है। आज के दिन वो आपको बहुत ज़्यादा खर्चे भी करने वाले हैं, आपको फिजिकली या फाइनेंशियली हेल्प भी करने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगा, इस वजह से थर्ड पार्टी की स्थितियां अगर कहीं से भी थी पहले तो आज वो बहुत शक करेगा और विश्वास की कमी बहुत नज़र आएगी। दोनों लोगों के बीच में झगड़े होंगे, फिर आपको भी उस पर गुस्सा आने लगेगा और इस वजह से आज बहुत ज़्यादा बहस की स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा शादी की बातों से भी परेशानी हो सकती है आपको और शादी की बातों को लेकर के भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कहीं किसी प्रकार से कोई शादी की बात चल रही है, उसी वजह से आप उन पर गुस्सा निकालें और फिर वो उस थर्ड पार्टी की बात को छेड़ दें कि आपने भी तो मुझे धोखा दिया था इस तरीके की। तो यहाँ पर स्थिति इसलिए ख़राब है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी ख़राब स्थितियाँ हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको टॉर्चर कर सकते हैं, आपके कमियों को बहुत देखेंगे और बहुत ज़्यादा मतभेद नज़र आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, खुशियाँ आपके साथ रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए अच्छी दिखती हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम पूरी तरह से आपको जकड़ लेगी। थर्ड पार्टी की परेशानी इस कदर आपको परेशान करेगी कि आज आप कितना भी रोएं, कितना भी गिड़गिड़ाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से खून के आंसू भी आपको रोने पड़ेंगे। मैरिड लाइफ में आज आपके पार्टनर अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आप अपने आप को ये देखेंगे कि आपके साथ में वाकई में इन्होंने धोखा दिया है, धोखा किया है, आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। वो बातें पता चल जाएंगी जो आपको बरसों से नहीं बताई हैं या जब से शादी हुई है, शादी से पहले जो बता देनी चाहिए थी नहीं बताई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर
आपके पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आप भी उनके साथ में बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे, ये स्थिति है दोस्तों। यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।